श्वेता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीके बाय श्वेता चौधरी। और फ्रेंड्स, आज फिर मैंने एक न्यू वीडियो बनाई है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज 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 पूरी वीडियो जरूर देखें, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? ए ऑप्शन पवन ऊर्जा, बी कोयला ऊर्जा, सी पेट्रोलियम और डी ज्वार शक्ति। तो एक ऑप्शन है हमारा ए व वी, बी ऑप्शन है ए व डी, और सी ऑप्शन है डी, सॉरी सी व डी। तो जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो हमारे ए एंड डी हैं, यानी कि पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। यानी कि जो ऊर्जा के, यानी कि जो एनर्जी के न्यू रिसोर्सेज खोजे जाते हैं उनको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो पेट्रोलियम और कोयला ऊर्जा तो बहुत पहले से यूज किए जा रहे हैं, तो जो नए चलाए गए हैं वो हैं पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बी है श्री कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भारत की हमारी संविधान बना था तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, उसके जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब है? यानी कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे मौलिक अधिकार है जो 6, अब पहले 7 हुआ करते थे बेसिक राइट्स, तो पहले 7 हुआ करते थे, तो उनमें से अब संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया था। तो अब देखो वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार और बी है कानूनी अधिकार। तो जो अब भारत में हमारे संपत्ति का जो अधिकार है वो अब एक कानूनी अधिकार है, अब वो बेसिक राइट्स में नहीं आता है बल्कि एक कानूनी अधिकार बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ए ऑप्शन है रामनगर नैनीताल, और बी है दुधवा लखीमपुर। तो जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो रामनगर नैनीताल में है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन है, सुंदरवन क्या है? ए गोदावरी डेल्टा, और बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो इसका आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित एक डेल्टा है। नेक्स्ट है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, यानी कि जो नॉइस पॉल्यूशन होता है या फिर जो हमारी बोलने की जो आवाज़ें होती हैं, आवाज़ को नापने की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? ए कैलोरी, बी डेसिवेल। तो इसका आंसर है डेसिवेल। डेसिवेल से ध्वनि की इकाई को, सॉरी ध्वनि को मापा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येन किसकी मुद्रा है? यानी कि येन एक मुद्रा है, कौन से देश की मुद्रा है? ए जापान, बी चीन। तो आंसर है हमारा जापान, येन जापान की एक मुद्रा है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ए विक्रम साराभाई, एंड बी श्रीनिवास रामानुजम। तो ये बुक जो है वो श्रीनिवास रामानुजम की है, सॉरी उनकी जीवनी है जो रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि आधार कार्ड किसके लिए है? ये तो सभी को पता होगा कि आधार कार्ड आजकल हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, हर किसी को, भारत का जो भी नागरिक है उसे आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है। तो इसका हमारा आंसर होगा क्या, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो इसका एक ऑप्शन है पेरिस, और बी है टोक्यो। तो जो 2020 के जो ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे वो टोक्यो में किए जाएंगे। नेक्स्ट है, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला एक बुक है पोएट्री। तो
ये किसकी कृति किसने लिखी है? ए हरिवंश राय बच्चन और बी उमर खयाम। तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पापा थे, उन्होंने मधुशाला को लिखा था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है, और आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको देखने के लिए थैंक यू।